अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन, मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चाउमीन। इस चाउमीन की रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, आपको लगेगा ही नहीं ये आपने घर में तैयार किया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन फ्राई बनाएंगे चाउमीन के लिए। और यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। और चिकन में मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून विनीगर। विनीगर की जगह आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और स्वाद के अनुसार नमक, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। नमक का इस्तेमाल आप इसमें थोड़ा कम ही करें, क्योंकि सॉस में नमक होता है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटे के करीब। ये देखिए, चिकन आधा घंटे के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे तेल गरम कर लिया है, और गरम तेल में मैंने चिकन को डाल दिया है। आप लोगों को एक बात की ध्यान रखना है, आप लोगों को सारा चिकन एक साथ ही तेल में नहीं डालना है, एक एक करके ऐसा सेपरेटली तेल में डालें, इससे चिकन जो है अच्छे फ्राई होंगे। और इस चिकन को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। आपको चिकन को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, नहीं तो चिकन जो है उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। और इस चिकन को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट का टाइम आराम से लग जाएगा। ये देखिए, चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे चिकन को प्लेट में निकाल लिया है, और इसे साइड में रख लेंगे और चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। और यहाँ पे हम नूडल्स को तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक पतीला में 1 लीटर पानी डाला है, और उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल और 1/2 नींबू का रस डाला है। ये तेल और नींबू का रस डालने से नूडल्स जो है एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं, और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। अब हम इस पानी को उबालने देंगे। ये देखिए, पानी उबल गया है। आपको ध्यान रखना है, पानी उबलने के बाद ही नूडल्स को डालना है। ये नूडल्स आपको किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। और इसे अब हम 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। ये देखिए, नूडल जो है अब कुक हो रहा है। आप दोनों चम्मच की मदद से इसी तरह से थोड़ा सा मिलाए, और नूडल्स को चेक करने के लिए आप एक नूडल्स को ऐसे हाथ की मदद से तोड़ के देख ले। अगर नूडल्स आसानी से टूट जा रहा, मतलब आपका नूडल्स जो है तैयार है। इसे अब हम छान लेंगे। ये देखिए, मैंने पानी से अलग कर लिया है, और इसे अब हम 2 बार नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेंगे। धो लेने से जो है, जब तक हम सब्जियां सॉटे करेंगे, नूडल्स में हीट नहीं बनेंगे, और ये एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं। यहाँ पे मैंने एक अंडा तोड़ लिया है, और अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। आप एक अंडे की जगह 2 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं चिकन डाल रही हूँ इसीलिए 1 अंडे का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है, ये देखिए। सब्जियों में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा कैबेज और थोड़ा सा कैरेट और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई गर्म कर लिया है। मार्केट में जो नूडल्स मिलता है, वो बड़े से कढ़ाई में ही बनने से बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए आप कोशिश करें आप कढ़ाई थोड़ा बढ़ा लें। और कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और तेल में अंडे को डाल दिया है, और अंडे को हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अंडे को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, मैंने अंडे को निकाल लिया है, और चिकन और अंडे को हम साइड में रख लेंगे। और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे, करीब 2 टेबलस्पून के जितना। ये देखिए, मैंने 2 बड़ी चम्मच तेल डाला है, और तेल में मैंने कटा हुआ प्याज को डाल दिया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, सिर्फ 2 से 3 बार ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, और ये जो हम नूडल्स बना रहे हैं, इसे हम हाई फ्लेम पर करेंगे, नहीं तो सब्जियाँ जो है सॉफ्ट हो जाएगा, और हमें सब्जियाँ सॉफ्ट नहीं चाहिए, क्रंची चाहिए थोड़ा। देखिए, मैंने धीरे धीरे सारे सब्जियों को डाल दिया है, और इसे हम कुछ मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे।
ये देखिए मैंने सब्जियों को 2 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लिया है। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर। आप विनीगर का ही यूज़ करें, इससे नूडल्स में जो है अच्छा टेस्ट आते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नूडल्स मसाला। ये मसाला भी आपको किसी भी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। मैं इस नूडल्स और नूडल्स मसाले के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इसको मिलाने के बाद हम जो नूडल्स को तैयार करके रखे थे उस नूडल्स को डाल देंगे। ये देखिए नूडल्स बिल्कुल एक दूसरे से नहीं चिपका है, ये बहुत ही खिले खिले है। अब इसे हम मिलाएंगे। नूडल्स का मेन ट्रिक सी ये है, इसे आपको अच्छी तरह से मिलाना है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक का इस्तेमाल आप कम करें क्योंकि सारे सॉस में जो है नमक होता है, इसीलिए आप नमक थोड़ा देख के ही डालें। फिर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस डाला है और 1 टेबलस्पून नूडल्स मसाला और डाला है। और मैंने इसे एक बार मिला लिया है। फिर फ्राई किया हुआ चिकन और अंडा डाल दिया है। अंडा डालने के बाद फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ। अब इसे हम 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए नूडल्स को आप जितना अच्छी तरह से मिलाएंगे नूडल्स आपका उतना ही अच्छा बनेगा। और इस नूडल की रेसिपी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और हमारा नूडल्स जो है अभी तैयार है, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए मैंने नूडल्स को जो है प्लेट में निकाल लिया है। ये नूडल्स तो एकदम मार्केट जैसी बना है, आपको लगेगा ही नहीं अपने घर पे तैयार किया है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, ये नूडल्स आपके फैमिली में सबको पसंद आएगा। इस नूडल्स को आप सेम यही प्रोसेस से बिना चिकन के भी बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मुझे इंस्टा और फेसबुक पेज में फॉलो करना मत भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।